दुनिया के सबसे पांच मुस्लिम रिचेस्ट व्यक्ति कौन से हैं? तो साथियों, सबसे पहला जो नाम आता है उनका नाम है सुलेमान करीमोव। इनकी उम्र 50 साल है और इनकी कुल संपत्ति 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये एक इन्वेस्टर है और ये सोवियत यूनियन के वक्त से निवेश करना शुरू किया, खास करके इन्होंने फुटबॉल, ऑयल, गैस में निवेश करना शुरू किया। चौथे नंबर पर साथियों जो आता है उनका नाम है मोहम्मद बिन ईसा अल जबैर। ये सऊदी अरेबिया के रहने वाले हैं और ये पूरे दुनिया में मुस्लिमों में चौथे नंबर पे ये आते हैं जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन हैं। ये MBI के इंटरनेशनल के फाउंडर, चेयरमैन और CEO भी हैं। इनकी कुल संपत्ति जो है 8.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर हैं। तीसरे नंबर पे आता है मोगाबाद अल मौदी। ये तीसरे नंबर पे आते हैं और ये इथोपिया का रहने वाले हैं, पर फिलहाल ये रह रहे हैं सऊदी अरेबिया में। इनकी कुल संपत्ति इनकी जो कुल संपत्ति है वो 10.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इनका काम है रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ये करते हैं। चौथा नंबर सबसे दोस्तों जो दूसरे नंबर पे जो आता है उनका नाम है अजीम हसीम प्रेम जी। ये भारत के रहने वाले हैं और ये IT कॉरपोरेशन विप्रो प्राइवेट लिमिटेड के ये चेयरमैन भी है। और इनकी कुल संपत्ति के बारे में यदि हम लोग बात करें तो 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और दुनिया के सबसे अमीर जो मुस्लिम व्यक्ति हैं वो हैं सऊदी अरब के, जिनका नाम है प्रिंस अल वालिद बिन तलाल अल असूद। दोस्तों ये सऊदी अरब के प्रिंस हैं, सऊदी अरब के सबसे अमीर व्यक्ति और पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी इन्हें कहा जाता है। इनका काम है इन्वेस्टमेंट किंगडम होल्डिंग के ये फाउंडर और CEO भी है। और इनकी कुल संपत्ति के बारे में यदि हम लोग बात करें तो 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर इनकी कुल संपत्ति है। तो दोस्तों ये थी पूरी दुनिया की पाँच सबसे टॉप जो मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।